Students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood about the summary of the portrait of a lady, right? Today, what we are going to do, we are going to have some question and answers of the same, the portrait of a lady, written by Shirley Tolson. No? So, pehla question jo yahan par humare saamne hai, wo kaun sa hai? To mention the three phases of author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad, है ना? तो तीन stages के बारे में हमें यहाँ पर समझाना है. Okay, the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are as follows. ये हुए हैं नीचे किस तरीके से. तो पहला stage जो समझाया जा रहा है, the first phase, the period of his early childhood where he used to live with her in the village. His grandmother used to wake him up and get him ready for school. They both would walk to the school together and come back home together. They had a good friendship with each other. पहला फेज क्या था? जब वो लोग गांव में रहते थे ना, उनकी दादी माँ जो है उन्हें उठाया करती थी, wake him up, और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी. और वो दोनों जो है स्कूल जाते थे साथ में और वापस आते थे. उन दोनों की फ्रेंडशिप जो थी काफ़ी अच्छी थी उस टाइम पे. सेकेंड फेज क्या था? इन दिस phase, the author and his grandmother shifted to the city as the author's parents settled well in the city, although they shared the room. This was the turning point of their friendship. Now they saw less of each other. अब जो second phase था उसमें हुआ क्या कि author और उनकी grandmother दोनों ही जो है वो कहाँ चले गए थे? City में रहने के लिए उनके parents के साथ में. क्यों? क्योंकि वो पहले ही वहाँ पर settle हो चुके थे. हालांकि वो एक ही रूम में रहते थे दोनों, grandmother और author खुद, लेकिन फिर भी ये जो था एक टर्निंग पॉइंट था उनके फ्रेंडशिप का, है ना? क्यों? क्योंकि वो अब जो है एक दूसरे से इतना ज़्यादा मिल नहीं पाते थे. थर्ड स्टेज में क्या हुआ? When the author went to the university, he was given a room of his own. This made their friendship bond weaker as the common link between them. The same room snapped. She became quitter and private and kept the spinning wheel all the day long. She would feel the sparrows once a day, and this was the only thing that made her happy now. है ना? तो आखिरी फेज में हुआ क्या कि ऑथर जो है वो यूनिवर्सिटी चले गए, तो वहाँ पर जो है उन्हें एक अपना रूम दिया गया, और इसकी वजह से उनका ये जो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो और भी ज़्यादा वीक हो गया. और जो उनके बीच में एक कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप की, जो उनका रूम था जिस रूम को वो शेयर करते थे, वो भी अब जो है टूट चुकी थी, है ना? वो काफ़ी शांत होने लगी, अब काफ़ी प्राइवेट होने लगी, और अपना जो स्पिनिंग व्हील है बस उसी को जो है दिन भर घुमाया करती थी, और दिन में एक बार जो है जो स्पैरोज हुआ करती थी उन स्पैरोज को जो है वो वहाँ पर फीड किया करती थी. दिस वॉज द ओनली थिंग दैट मेड हर हैप्पी नाउ. और ये अकेली एक लौती चीज़ थी जिसकी वजह से उनको अब खुशी मिलती थी उनकी दादी माँ को, राइट? तो ये थे तीन फेजेस जिनके बारे में हमने समझा. नेक्स्ट देखते हैं, मेंशन थ्री रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल. ऐसे कौन से तीन रीजन है जिसकी वजह से ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी वो काफी डिस्टर्ब थी? तो व्हेन द ऑथर यूज्ड टू लिव इन द विलेज विद हर, दे बोथ हैड अ गुड फ्रेंडशिप. शी यूज्ड टू वेक हिम अप, गॉट हिम रेडी एंड वुड आल्सो अकंपनी हिम टू स्कूल. ऑल दिस चेंज व्हेन दे मूव टू द सिटी. The grandmother was disturbed for the following reason. Which one? First was, she no longer could help him in his lessons as he started going to the English medium school, and this became a barrier for her. है ना? English medium में जाना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से school में क्या सिखाया जाता था ना दादी माँ को समझ में आता था, ना ही वो उनके lessons के साथ में कुछ मदद कर पाती थी, है ना? दूसरी बात क्या थी? There were no teachings about God and the scriptures. है ना? भगवान के बारे में और जो होली बुक्स है, किताबें जो हैं धार्मिक किताबें, उनके बारे में वहाँ पर कोई भी टीचिंग नहीं थी, जिसकी वजह से दादी माँ बहुत दुखी थी. और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो दादी माँ के लिए थी, शी डिडंट लाइक हिम टेकिंग द म्यूज़िक लेसन्स. है ना? दादी माँ को ये बात पसंद नहीं थी कि ऑथर जो है क्या सीख रहे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हर, म्यूज़िक वॉज ओनली फॉर बैगर्स एंड हार्लॉट्स. दादी माँ के हिसाब से म्यूज़िक जो था वो सिर्फ किसके लिए था? बैगर्स के लिए, है ना, जो भिखारी होते हैं उनके लिए, और जो हार्लॉट्स हैं, प्रोस्टिट्यूशंस हैं, उनके लिए जो है ये चीज़ें हुआ करती थी, है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ओके, सो मेंशन थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अब. जब बड़े हो गए
तो कौन से तीन तरीके थे जिसकी वजह से ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो अपना दिन बिताया करती थी. तो हिज ग्रैंड मदर चेंज अ लॉट सिंस ही ग्रो अप. शी वुड स्पेंड हर डे एट द स्पिनिंग व्हील. है ना, क्या करते थे, पहला काम स्पिनिंग व्हील जो है पूरा दिन स्पिनिंग व्हील घुमाया करते थे और उसी पे जो है अपना दिन बिताया करते थे. चैंटिंग प्रेयर्स, सिर्फ जो है भगवान की बातें किया करते थे, अब भगवान की जो है प्रार्थना ही किया करती थी. एंड तीसरी बात क्या थी, फीडिंग स्पैरोज, और चिड़ियाओं को जो है वो खाना खिलाती थी. चौथा क्वेश्चन, मेंशन द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड. मरने से जस्ट पहले ऑथर की ग्रैंड मदर जो है किस तरीके का बिहेवियर दिखा रही थी. तो शी डिडंट प्रे द इवनिंग बिफोर डाइंग. शी कलेक्टेड द वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड एंड स्टार्टेड सिंगिंग होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स विद द हेल्प ऑफ द ड्रम. है ना, अब ये होम कमिंग ऑफ द वॉरियर क्या है, सबसे पहले वो समझ लो. है ना, होम कमिंग ऑफ द वॉरियर एक ऐसा सॉन्ग है जब सोल्जर्स घर आते हैं बॉर्डर पर से, तब उनके लिए जो है ये गाया करता है, गाया जाता है और उनकी याद में जो है ये गाने गाए जाते हैं. तो हुआ क्या उस दिन, उस दिन इवनिंग में, मरने से जस्ट पहले की जो इवनिंग थी, उस दिन जो है दादी माँ ने बिल्कुल कुछ भी जो है नहीं किया, ना ही प्रेयर की, ना ही जो है उनकी स्पिनिंग व्हील घुमाई. इंस्टेड क्या किया उन्होंने, तो पड़ोस की जितनी भी औरतें थी उन सभी औरतों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया और उन्होंने जो है होम कमिंग ऑफ द वॉरियर, जो ये लाइक सोल्जर्स जो रहते हैं, वॉरियर्स जो रहते हैं, उनके जो घर आने के जो गाने रहते हैं वो गाने लगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रम. एक ऐसा ड्रम जो है वो लेकर आए और जिनको वो बजाने लगी, और वो काफ़ी डिलैपिडेटेड था, काफ़ी खस्ता हालत में था वो ड्रम, जिसकी वजह से उसको जोर जोर से जो है पीटना पड़ा ताकि उससे आवाज़ निकले. और रिजल्ट क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग When she fell ill, she said her end was near. जब वो दूसरे दिन बीमार पड़ गई तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका अंत जो है वो नज़दीक आ चुका है. She started praying peacefully while laying on her bed. हालांकि डॉक्टर ने कहा था सिर्फ ये माइल्ड फीवर है, लेकिन दादी माँ का कुछ अलग ही सोचना था, तो उन्होंने जो है क्या किया, शांति से अपनी जो प्रेयर्स है वो गाना शुरू कर दिया अपने बेड पर लेटे लेटे. She refused to talk anyone during her last hours. और आखिरी घंटों में जो है वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड. है ना, जब ऑथर की ग्रैंड मदर मर गई तो स्पैरोज जो थी, जिन्हें वो खाना खिलाया करती थी, उन्होंने अपना जो है सोरो, अपना दुख जो है वो किस तरीके से एक्सप्रेस किया. द ग्रैंड मदर यूज टू फीड द स्पैरोज इन हर वरांडा ईच डे. है ना, दादी माँ हर रोज़ जो है अपने वरांदा में स्पैरोस को खाना खिलाया करती थी. शी डेवलप्ड अ स्पेशल रिलेशनशिप विद देम. एक अलग ही जो है बॉन्ड जो है दोनों के बीच में हो गया था, दादी माँ और पक्षियों के बीच में. व्हेन शी डाइड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस एक्सप्रेस देयर सोरो बाय सिटिंग इन अ स्कैटर्ड वे अराउंड हर इन दी वरांदा. जब वो मर गई तो हज़ारों की संख्याओं में जो है वहाँ पर चिड़ियाएँ आई और वो जो है दादी माँ के आसपास में जाकर जो है बैठ गई वरांदा के वरांदा में. राइट, They didn't cheer up and there was a complete silence. उनमें से किसी भी चिड़िया ने जो है ज़रा सी भी आवाज़ नहीं की. चर्पिंग कहते हैं जब चिड़ियाओं की आवाज़ होती है. राइट, तो बिल्कुल जो है चिरप नहीं किया उन्होंने. एंड देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस, बिल्कुल शांति फैल चुकी थी. द ऑदर्स मदर ट्राइड टू फीड दैम बाई ब्रेकिंग द ब्रेड एंड थ्रोइंग इट इन फ्रंट ऑफ दैम, बट दे डिडंट ईट एनीथिंग. व्हेन द फैमिली कैरीड ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, दे ऑल फ्लू अवे क्वाइटली. तो जब वो वहाँ पर बैठे हुए थे बिल्कुल शांति से, तो जो ऑथर की माँ थी, खुशवंत सिंह की जो मदर थी, उन्होंने कोशिश की कि ब्रेड के कुछ टुकड़े जो है उनको तोड़कर उनके सामने दिए, लेकिन एक भी चिड़िया ने जो है उसे खाया नहीं. जब उनका जो परिवार था, वो ग्रैंड मदर का जो कॉप्स था, वो जब उठाकर लेकर गए तो वो जो है चिड़ियाएँ वो सारी की सारी वहाँ से शांति से उड़ के चली गई. अगला क्वेश्चन जो बनता है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन. वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस. तो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो एक रिलीजियस, धार्मिक लीडी थी. ऐसा हम जो है कैसे कह सकते हैं, हमें किस बिना पर जो है हमें ये समझ में आता है. तो व्हेन शी लिव्ड इन द विलेज विद द ऑथर, शी यूज्ड टू सिंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनियस साउंड व्हाइल गेटिंग हिम रेडी ईच मॉर्निंग. है ना, कि जब वो गांव में रहते थे ऑथर के साथ में, ऑथर की दादी माँ, तब वो जो है हमेशा एक मोनोटोनियस वे, मतलब एक ही वे में जो है वो प्रेयर्स जो है वो गाया करती थी. जब वो ऑथर खुशवंत सिंह जो है जब उन्हें रेडी करती थी स्कूल के लिए हर सुबह में, तब
She used to walk the author to his school and then visit the temple attached to the school every day. है ना, वो हमेशा जो है ऑथर को स्कूल लेकर जाती थी. और जब ऑथर स्कूल में पढ़ाई करते थे तब दादी माँ जो है जो स्कूल के एग्जैक्ट अटैच्ड एक टेम्पल हुआ करता था वहाँ पर जाकर जो है वो बैठा करती थी. सी वुड सिट एंड रीड स्क्रिप्चर्स, वहाँ बैठती थी और क्या करती थी, धार्मिक किताबों को जो है वो पढ़ा करती थी. लेटर व्हेन दे मूव्ड टू द सिटी शी वुड कैरी द बेड्स ऑफ द रोजारी विद हर ऑल द टाइम. है ना, जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए तब वो क्या करने लगी, अपने साथ में जो रोजारी है, जो माला है, उस माला को जो वो है हर वक्त अपने पास में रखती थी. शी वुड कंटिन्यूअसली चैंट हर प्रेयर्स एंड हर हैंड रिमेन बिजी इन टेलिंग द बेड्स. हर बार जो है कंटिन्यूअसली वो क्या करते थे, सिर्फ प्रेयर्स गाया करते थे और उनके हाथ जो है वो हमेशा बिजी रहते थे किस बात को लेकर, टेलिंग द बेड्स. है ना, When the author went to study at the university, she went into seclusion and spent her whole day in chanting prayers. Seclusion क्या होता है, तो उसे कहा जाता है अकेलापन, है ना, alone जिसको कहा जाता है. तो जैसे ही author जो है वो university रहने चले गए तो वो जो है अकेली पड़ गई और वो अपना पूरा दिन जो है वो क्या करते थे, सिर्फ prayers गाने में ही बिता देती थी. So next question की ओर बढ़ते हैं. Describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings change for each other? है ना, ये question जो है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जो relation था उन दोनों के बीच में या जो feeling थी उन दोनों के बीच में वो बदली या नहीं बदली. है ना, तो आप लोग जो है इस question को read करेंगे, आपके लिए एक homework है मेरी तरफ से. Next question की ओर बढ़ते हैं. सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन जो है वो आपको खुद ही करना है, ठीक है, एक बार आप उसे रीड करेंगे. नाइन्थ क्वेश्चन को जो है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है. विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू टॉक व्हाइल टॉकिंग टू ईच अदर. है ना, कि कौन सी लैंग्वेज का जो है वो लोग इस्तेमाल करते थे. अब हमने जो है खुशवंत सिंह को देखा, खुशवंत सिंह के बारे में समझा, तब हमें पता चला कि वो पंजाबी थे, राइट. लेकिन उन्होंने ये जो बुक लिखी है वो इंग्लिश में लिखी हुई, तो क्या वो सच में अपने फादर हैं या अपने ग्रैंड मदर हैं उनसे इंग्लिश में बात करते थे? नहीं, वो हमेशा कौन सी टंग यूज़ करते थे, मदर टंग. और ऑथर जो है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, पंजाबी लैंग्वेज में, राइट. ठीक है, सेवन और एट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग उसे खुद बनाएंगे, ठीक है, खुद जो है मुझे समझाएंगे कि क्या है उसके अंदर. अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, idioms एंड phrases हैं जिनको जो है हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, राइट. idioms एंड phrases आप सभी लोगों को पता हो, 3 marks के आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ तो फर्स्ट यूनिट में जो हमें दिए हुए हैं idioms एंड phrases आपको जो है वही समझा रहा हूँ मैं. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द bits ऑफ हर रोजारी. अब यहाँ पर ये जो टेलिंग लिखा हुआ है ना, टेलिंग द bits ऑफ हर रोजारी, अब ये टेल जो है उस टेल के अलग अलग मतलब जो है आपको यहाँ पर समझाए जा रहे हैं. तो यहाँ पर जो टेलिंग लिखा है उसका मतलब क्या होता है, काउंट वाइल रिसाइटिंग, मतलब कुछ गाते गाते जो है हमें क्या करना है, उसे गिनना है, काउंट करना है. ये बिड्स, बिड्स मतलब जो मोती है, रोजारी मतलब माला, तो माला के जो मोती हैं उनको टेल करने का मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उनको गाते गाते जो है गिनने की बात की जा रही है. नेक्स्ट, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. अब यहां पर टेल का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर टेल का मतलब होता है मेक समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स. तो किसी को किसी चीज के बारे में समझाने की कोशिश करना, है ना, या फिर हमें जो है ये कोशिश करना कि ये जो वर्ड्स हमने बोले हैं क्या वो सामने वाले को समझ में आ रहे हैं या नहीं. एट हर एज वन कुड नेवर टेल. देखो यहाँ पर टेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मतलब होता है बी श्योर, मतलब उस उम्र में, ऐसी उम्र में जो काफ़ी बुढ़ापे की बात की जा रही थी. आपको शायद ये लाइन जो है आपको यूनिट में मिल जाएगी अगर आप उसे रीड करेंगे तो, है ना, तो उनकी उम्र में जो है कोई भी श्योर नहीं हो सकता उस बारे में, यही समझाने के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, टेल. तो आपने टेल के 3 अलग अलग जो मतलब हैं वो समझे. अब हम समझते हैं टोल्ड, है ना, टोल्ड के बारे में समझते हैं. तो शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, है ना, उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, शी टोल्ड अस. अब यही टेल का जो है सेकेंड फॉर्म है,
लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या होता, क्या बनता है, गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी, है ना। अब किसी को इन्फॉर्मेशन देना, आप सामने वाला रिसेप्टिव होता है या नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को ये इन्फॉर्मेशन दे देना। वहीं पर अगर आप इस टेल की बात देखें, है ना, अगर इस टेल की बात देखें और इस टोल्ड की बात देखें, तो दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर हम कन्फर्म करते हैं कि सामने वाला किसी चीज़ को समझ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें इस कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब हम टेक की बात करते हैं, राइट। She took to feeding sparrows in the courtyard of city house, है ना। तो क्या मतलब होता है यहाँ पर took to का, है ना, तो मतलब होता है to begin to do something as a habit, है ना। तो वहाँ पर दादी माँ जो है वो took to, मतलब क्या हुआ, एक habitual जो है, habitual हो चुकी थी sparrows को feed करने में। The next morning she was taken ill. अब यहाँ पर टेकन का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर मतलब होता है बिकम, है ना, कि वो दूसरे दिन सुबह में क्या हो गई, बीमार पड़ गई। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। आज आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है हम कुछ अलग टॉपिक से मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।